स्पॉन्सर बाय लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स गुरुद्वारा रोड सिंगरौली। नमस्कार, मेरा नाम सुनील सोनी है और आप कोल कोल पोस्ट देख रहे हैं। जैसा कि आपको बता दें कि हम लोग अभी जो मौजूद हैं मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में मौजूद हैं। आइए हम आपको पीछे की तस्वीर दिखाते हैं और चर्चा भी करेंगे इसमें कि जो एक दिन का दीप महोत्सव मनाया गया है। केंद्र सरकार ने अभी तक जो अंग्रेजी माध्यम में शिक्षण चल रहा था जी, उसको देखते हुए कि गरीब बच्चे जो हिंदी माध्यम से गांवों से पढ़ के आते हैं, वो जो बड़े कॉम्पिटिशन जो छोटे बच्चे मतलब 12वीं पास बच्चों के लिए होते हैं इंजीनियरिंग और मेडिकल, वो बच्चे थोड़ा कम क्वालिफाई कर पा रहे हैं। तो केंद्र सरकार ने इसके पीछे जब कारणों का पता लगाया तो ये लगा कि अंग्रेजी का जो माध्यम है उसमें ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई कर पाते हैं क्योंकि उसमें बुक्स वगैरह सारी चीज़ें थोड़ी ज़्यादा उपलब्ध होती हैं। तो केंद्र सरकार ने अब इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई के लिए भी हिंदी को लागू किया है और कल से 16 अक्टूबर 2022 से देश में लागू होगा पूरी तरह से। लेकिन पहला राज्य मध्य प्रदेश होगा जो इसको लागू करेगा। उसी उपलक्ष में एक यादगार बनाने के लिए एक दीपक मातृभाषा के नाम का ये कार्यक्रम रखा गया था। सवेरे इसी विषय पर हिंदी में गोष्ठी भी हुई थी, लोगों को हिंदी के महत्व के बारे में बताया गया था और शाम को माननीय मुख्यमंत्री के आदेशानुसार प्रोफेसर हमीद सिद्दीकी प्राचार्य अग्रणी महाविद्यालय सिंगरौली के निर्देशानुसार ये कार्यक्रम रखा गया है। इसमें कॉलेज के सभी प्राध्यापक, शिक्षा इतर स्टाफ और बच्चे सम्मिलित हुए। स्पॉन्सर बाय लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स गुरुद्वारा रोड सिंगरौली।